नमस्कार, यूथ कार्नर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दारा सिंह। इस समय मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के नगर पंचायत कुंडा में। हमारे बीच में इस समय मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुमन साहू जी। इनसे जानते हैं चुनाव को लेकर क्या सोचती हैं, क्या कहना है। मैडम, आपका यूथ कार्नर में स्वागत है। नमस्कार। पहला सवाल मैडम, क्या इस बार कुंडा में कमल खिलेगा? जरूर खिलेगा, क्यों नहीं खिलेगा। इसके लिए तो ईश्वर ने भी पूरी तैयारी कर दी है कि कमल कुंडा में खिले। आपका संकेत है कि जो बरसात हो रही है उसके द्वारा जो कीचड़ में ही कमल खिलता है। बिल्कुल सही। मैडम, ये बताइए कि आप नगर पंचायत कुंडा में चेयरमैन के पद पर चुनाव लड़ रही हैं, यहाँ पर किन किन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में हैं? यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो है विकास का। सबसे बड़ी चीज़ है, लोग विकास का नाम तो लेते हैं लेकिन विकास करते नहीं हैं। सारे विकास कागजी रह जाते हैं जो ज़मीनी स्तर पर नहीं आ पाते हैं। जैसे बजबजाती नालियाँ, टूटी फूटी सड़कें, जर्जर तार, हमारे राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो लोगों तक बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती हैं और वो सिर्फ कागज़ में ही दबके रह जाती हैं। उन योजनाओं को सभी जनमानस तक पहुंचाना मेरा मेन लक्ष्य है। बताइए कि यहाँ पर कुंडा में जो विकास कार्य हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर जो भी विकास कार्य हुआ है वो माननीय सांसद जी के द्वारा हुआ है। जैसे स्ट्रीट लाइट, काली सड़क, उज्ज्वला गैस, आवास योजना और राशन वितरण, जो भी योजनाएं हैं वो माननीय सांसद विनोद सोनकर जी के माध्यम से हुआ है। मैडम, आप जनता के बीच में जा रही हैं तो क्या रिस्पांस मिल रहा है, जनता का क्या रुझान मिल रहा है? मैं यहाँ की जनता को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी कि मैं उनके पास जा रही हूँ। मुझे इतना अपनापन मिल रहा है, इतना प्यार और स्नेह मिल रहा है कि मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ। मतलब एक एक सुखद अनुभव जिसको कहते हैं, वो अनुभव मुझे जनता से मिल रहा है। डॉक्टर हैं और डॉक्टर के नाते अगर आप चुनाव जीतती हैं यहाँ पर कुंडा में चेयरमैन का, तो आप बताइए कि आपकी स्वास्थ्य के लिए कुंडा जनता के लिए क्या करेंगी? अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं सभी वार्डों के लिए एक निःशुल्क चेयरमैन एम्बुलेंस मुहैया करवाऊंगी, जो सभी वार्डों के लिए बिल्कुल से निःशुल्क होगी।